शुरू करता हूँ यस्सु मसीह के बरकत नाम से, जो अंधों को आँखें और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। लियाकत मनवर सरोया सदर व बानी मास मसूद हिंद पाकिस्तान मसीह मिल्लत पार्टी। आज हमारा मसीहों के रोज़े शुरू हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा रोज़ा है। हमारी मजहबी रसूमात हैं, हमारे चर्चिस हर रोज़ लग रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिन से सिंध के जागीरदारों के जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक के रूप में गुंडे पाले हुए हैं, वो जो है ईसा नगरी की मजहबी तासब की बुनियाद पर, मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर बिजली जो है वो काट दी गई है। ईसा नगरी में 5 दिन से बिजली नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो बीमार हैं वो घरों में रह नहीं पा रहे, ना यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी की किल्लत हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली की वजह से पानी आता है। इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी मजहबी मुनाफरत को जड़ से उखाड़ा जाए। मैं इंसानी हकूक की तमाम पाकिस्तानी तंजीमों से, आलमी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आएँ, हमारी आवाज़ बने और इस मजहबी मुनाफरत को जो है ईसा नगरी से ख़त्म कराएँ। ईसा नगरी में जो है सिंध के जागीरदारों के जो गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं, जो कौमी तहवील में, कौमी तहवील से हटा के इलेक्ट्रिक को जो है प्राइवेटाइज किया गया है और ये ठेका के इलेक्ट्रिक के पास है और ये जो है ये मसीहों पे जुल्म कर रहे हैं और कराची वालों पे जुल्म कर रहे हैं। और अब तो जो है पिछले 5 दिन से सिर्फ आप ईसा नगरी के गिरदोनवा में जितने भी मुस्लिम बस्ती हैं उनकी जो है बिजली बहाल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईसा नगरी एक मसीही बस्ती है, बहुत बड़ी मसीही बस्ती है, कराची की सबसे बड़ी मसीही बस्ती है। यहाँ पे जो है लाइट काट दी गई है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से कि मसीहियों के साथ इससे भी ज़्यादा हम जुल्म करेंगे, तो ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। मैं वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए और के इलेक्ट्रिक को जल्द अज जल्द कौमी तहवील में लिया जाए क्योंकि इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी को ख़त्म किया जाए। मैं तमाम उन हलकों से जो इंसानी दर्द रखते हैं, उनसे, इंसानी हकूक की तंजीमों से मैं अपील करता हूं कि ईसा नगरी में आएँ, ईसा नगरी का विज़िट करें और देखें कि आपको लगेगा कि ईसा नगरी जो है पत्थर के दौर में, ये रोशनियों का शहर कराची में जो है अंधेर नगरी है, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, शाम 7 बजे के बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कि रोशनियों का शहर कराची में, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची में और सबसे ज़्यादा मजदूर ईसा नगरी में रहते हैं, तो इसकी क्या हालत की है इन लोगों ने। तो आपके इलेक्ट्रिक को लगाम दें कि इलेक्ट्रिक जो है वो मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर ईसा नगरी की लाइट काट जाती है, मजहबी तासब की इंतहा कर दी गई है, पिछले 5 दिन से ईसा नगरी में लाइट नहीं है। आप सब हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बने और तमाम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दुनिया को पता चले, तमाम पाकिस्तान को पता चले कि मसीहियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।